ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି କାଶ୍ମୀର। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜିଠୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ବାଜିଛି ଫୋନ୍ ଘଣ୍ଟି। ଉପତ୍ୟକାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ସେବାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଉପତ୍ୟକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଇଲାକାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ସେପରି ସୋମବାରଠାରୁ ସ୍କୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନ୍ୟ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ। ତେବେ କାଶ୍ମୀରରେ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି କାଶ୍ମୀର। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜିଠୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ବାଜିଛି ଫୋନ୍ ଘଣ୍ଟି। ଉପତ୍ୟକାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ସେବାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଉପତ୍ୟକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଇଲାକାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ସୋମବାରଠାରୁ ସ୍କୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନ୍ୟ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ। ସ୍ପେଶାଲ ବୁଲେଟିନ ମେ ଆପକା ସ୍ୱାଗତ ହେ ମେ ହୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଶର୍ମା ଔର ମେରେ ସାଥ ହେ ସ୍ମୃତି ନାଗପାଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୋ ଦିନ କି ଭୁଟାନ ଯାତ୍ରା ପର ହେ। ଭୁଟାନ କି ରାଜଧାନୀ ଥିମ୍ପୁ ପହଞ୍ଚତେ ହି ପିଏମ୍ ମୋଦି କା ଏୟାରପୋର୍ଟ ପର ଶାନଦାର ସ୍ୱାଗତ କିଆ ଗ୍ୟା, ଯାହାଁ ପିଏମ୍ ମୋଦି କୋ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ଦିଆ ଗ୍ୟା। ଇସ୍ ମୌକେ ପର ଉନକେ ସାଥ ଭୁଟାନ କେ ପିଏମ୍ ଭି ମୌଜୁଦ ଥେ। पीएम मोदी ने भूटान रवाना होने से पहले उम्मीद जताई कि भूटान के नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत सार्थक रहेगी और उन्होंने विश्वास जताया कि इससे दोनों देशों के बीच दोस्ती और मजबूत होगी। पीएम मोदी का यह दूसरा भूटान दौरा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 ए के हटने से बौखलाए पाकिस्तान ने नौशतान सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की, जिसका पाकिस्तान की तरफ से हुआ सेना का एक जवान बुरी तरह से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। शहीद हुए जवान का नाम संदीप थापा है, जो उत्तराखंड के रहने वाले थे। आर्टिकल 370 और 35 ए के हटने के बाद खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसियों के जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक आतंकी जम्मू में बड़ा हमला कर सकते हैं। अलर्ट में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही आतंकी बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में आतंकी हमला कर सकते हैं। वहीं आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों में सामान्य होते हालातों के बीच इंटरनेट और टेलीफोन सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया गया। घाटी में कई जगहों पर टेलीफोन सेवा फिर से शुरू कर दी गई। जम्मू के साथ ही कई जगहों पर 2G इंटरनेट सेवा को भी बहाल किया गया है। हालांकि किश्तवाड़, डोडा और पुंछ में इंटरनेट सेवा अभी शुरू नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के वक्त से ही टेलीफोन और इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से चीन और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चीन की मांग पर बुलाई गई बैठक में खुद चीन ही अकेला पड़ गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 में से 14 सदस्यों ने इसे भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा मानते हुए मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन समेत 5 स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 देश अस्थायी सदस्य होते हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान और चीन को झटका लगने के बाद भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि आर्टिकल 370 को हटाना भारत का आंतरिक मामला है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि दो देशों ने जम्मू कश्मीर को लेकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उनकी यह चाल कामयाब नहीं रही। साथ ही अकबरुद्दीन ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए उठाए गए कदमों की सराहना भी की है। बढ़ते आगे, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने कश्मीर मसले को द्विपक्षीय तरीके से सुलझाने पर जोर दिया। अपनी गलती सुधारते हुए ट्रंप ने कश्मीर मसले को द्विपक्षीय बताया और पाकिस्तान को भारत के साथ बातचीत कर तनाव कम करने को कहा।
आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने एक और बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद में 440 मिलियन डॉलर और भारतीय रुपयों में करीब 3100 करोड़ रुपए की भारी कटौती की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आर्थिक सहायता में इस कटौती की बात से प्रधानमंत्री इमरान खान को वॉशिंगटन की यात्रा के 3 हफ्ते पहले ही आगाह कर दिया था। पिछले साल सितंबर में भी अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद में 300 मिलियन डॉलर की कटौती की थी। यह कटौती आतंकवाद को खत्म करने में पाकिस्तान के नाकाम रहने का हवाला देते हुए की गई थी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और बीच नदी में दो लोग फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। ये दोनों एक ट्रक लेकर नदी के बीच गए थे, लेकिन अचानक नदी में बाढ़ आ गई और दोनों पानी के तेज बहाव के बीच फंस गए, जिसके बाद इन लोगों को निकालने के लिए मशीनें मंगवाई गई और फिर बारी बारी से दोनों को रस्सी की मदद से नदी के बीच से बाहर निकाला गया। राजस्थान में मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। बूंदी में भारी बारिश से मेज नदी में उफान आ गया, जिसके बाद नदी का पानी सड़कों पर सैलाब बनकर बहने लगा। गलियों में बह रहे पानी का बहाव किसी पहाड़ी नदी से भी तेज नजर आ रहा था। सड़क पर पानी की लहरें इतनी तेज थी कि लोगों के लिए सड़क पर उतरना मुश्किल हो गया। कई लोगों को तो रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। बताया गया कि भारी बारिश के बाद बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया और नदी का पानी लोगों के मकानों और दुकानों में घुस गया। राजस्थान के कोटा में भी चंबल, काली सिंध और पार्वती नदियां भारी बारिश की वजह से उफान पर आ गई और बाढ़ का पानी शहर के अंदर दाखिल हो गया। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। चारों तरफ पानी भरने की वजह से लोगों के मकान और दुकान टापू बन गए। कई जगह मकान पानी में आधे डूबे दिखे। पूरा शहर पानी में डूबा नजर आने लगा। बाढ़ का पानी एक हाईवे से झरने की तरह बहने लगा। रास्ता बंद होने की वजह से गाड़ियां और ट्रक रास्ते में ही फंस गए। राजस्थान के कोटा में ही भारी बारिश के बाद एक अंडरपास में भी पानी भर गया, जिसे पार करते वक्त एक कार उसमें फंस गई। अंडरपास के नीचे जमे पानी में कार करीब आधे से ज्यादा डूबी नजर आई, जिसे आसपास के लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया। कोटा में रुक रुक कर हो रही भारी बारिश से चंबल, पार्वती, काली सिंध नदी उफान पर हैं। राजस्थान के टोंक में भी मूसलाधार बारिश की वजह से बनास और उसकी सहयोगी नदियां उफान पर आ गई। हालात ऐसे हो गए कि लोगों की मदद के लिए वहां जवानों को तैनात करना पड़ा। नदी का पानी उस पर बने एक पुल के ऊपर से बहने लगा। पानी के बहाव में कुछ स्कूली बच्चे भी फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ के जवानों ने गोद में लेकर बाहर निकाला। बाढ़ का पानी पटरियों पर भी भर गया। कई जगहों पर तो पटरियां पानी में डूबी नजर आईं, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में तो एक गाड़ी ही सैलाब में बह गई। ये गाड़ी नदी में डूब चुके पुल के ऊपर से गुजर रही थी, तभी तेज लहरों से उसका सामना हुआ। इस दौरान गाड़ी हिलने लगी और देखते ही देखते सैलाब में समा गई। डूबने के बाद गाड़ी में मौजूद 4 लोगों ने पानी में छलांग लगा दी और तैरकर किनारों पर पहुंच गए। इससे उनकी जान बच गई। बाढ़ की वजह से हुए इस हादसे ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। उधर दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना में पानी का बढ़ना भी शुरू हो गया है और दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। यमुना में पानी बढ़ने से नदी के किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन ने एहतियातन यमुना के किनारे रह रहे लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। आंध्र प्रदेश के हालात भी बाढ़ से बदतर हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। जिले के कई इलाके बाढ़ में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात ये है कि कहीं पानी कमर तक पहुंचा हुआ है तो कई इलाकों में पानी लोगों के गले तक जा पहुंचा है। मंदिर, घर, सड़क, दुकानें सब बाढ़ की चपेट में आने से डूब चुके हैं। लोगों को बाढ़ से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने का सामान भी लोगों के पास धीरे धीरे खत्म हो रहा है। राजस्थान के अलवर में हुए पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले की नए सिरे से जांच के लिए राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने एसआईटी बनाई है। बताया जा रहा है कि सरकार की बनाई गई एसआईटी की टीम पुलिस जांच में रही खामियों और मिलीभगत कर आरोपियों को बचाने वाले अधिकारियों की पहचान करेगी। जांच के बाद एसआईटी की टीम 15 दिनों के अंदर सरकार को इस मामले की पूरी रिपोर्ट देगी। इससे पहले अलवर कोर्ट ने मामले में सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया था।
मध्यप्रदेश के शिवपुरी में झांसी हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार सड़क से गुजर रहे एक बाइक से टकरा गई। हादसे के बाद कार में भीषण आग लग गई। हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया। काफी देर तक बीच सड़क पर कार जलती रही। वहीं इस भयानक हादसे में एक आदमी की मौत हो गई जबकि तीन लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद कार में लगी आग पर काबू पा लिया गया। बिहार के नालंदा में एक महिला से छेड़छाड़ की गई और विरोध करने पर महिला से मारपीट की गई। इतना ही नहीं, बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला के गांव पर भी हमला बोला। इस दौरान बदमाशों ने जमकर गोलीबारी भी की। इतना ही नहीं, गांव की कुछ दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। बदमाशों के हमले में गांव के कई लोग घायल हो गए। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है और आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है जबकि दारोगा योगेंद्र सिंह भी बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस को बदमाशों के पास से लूटी गई नकदी, बाइक और लाखों के जेवर बरामद हुए हैं। बताया गया पकड़े गए बदमाश का नाम सनी है और वो कई मामलों में वांछित था। पुलिस को काफी अरसे से उसकी तलाश थी। बिहार के मधुबनी में पुलिस ने एक घर में सालों से चल रही नकली गुलाब जल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस को नकली गुलाब जल बनाने वाली मशीन के साथ डाबर कंपनी की नकली स्टिकर्स भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि कुछ रोज पहले डाबर कंपनी को नकली गुलाब जल बनाने वाली फैक्ट्री की खबर मिली थी जिसके बाद दिल्ली से गई एक टीम ने पुलिस की मदद से नकली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। सीरिया में विद्रोहियों के अंतिम गढ़ में विस्थापित लोगों की एक सभा पर रूस ने हवाई हमला किया जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई जिनमें कई बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। यह हमला इदलिब प्रांत के दक्षिण हास शहर में हुआ जहां हिंसा से विस्थापित हुए लोग जमा हुए थे। बताया गया कि सीरियाई सेना रूस के समर्थन वाले अभियान में 30 अप्रैल से ही इदलिब और उसके आसपास के इलाकों में हमले कर रही है। पिछले कुछ दिनों से इलाके में संघर्ष बढ़ गया है। इदलिब और विद्रोहियों के कब्जे वाले आसपास के इलाकों में करीब 30 लाख लोग रहते हैं। मुंबई के पास थाने के उल्लासनगर में एक 5 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इमारत के गिरने की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। इस इमारत में 16 परिवार रह रहे थे जिन्हें वक्त से पहले निकाल लिया गया था। बताया गया कि 12 अगस्त को इस इमारत में बड़ी बड़ी दरारें देखी गई थी जिसके बाद एहतियात बरतते हुए इमारत को खाली करा लिया गया था और खाली करने के एक दिन बाद ही इमारत भरभराकर गिर पड़ी। मुंबई के पास कल्याण स्टेशन पर एक लड़का चलती ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में हादसे का शिकार हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब लड़का प्लेटफॉर्म पर पहुंची एक चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान लड़का प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जगह पे गिर गया। लड़के के गिरने से वहां हड़कंप मच गया। फौरन वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई जिसके बाद वहां मौजूद एक रेलवे पुलिस अधिकारी ने लोगों की मदद से लड़के को बाहर निकाला जिससे उसकी जान बच पाई। यह घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मध्यप्रदेश के शिवपुरी के रामेश्वर गुर्जर का 11 सेकंड में 100 मीटर नंगे पैर दौड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने वीडियो देखने के बाद ट्वीट कर रामेश्वर को एथलेटिक्स एकेडमी में रखने का वादा किया। इससे पहले मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धावक रामेश्वर गुर्जर को अच्छा मौका और मंच दिलवाने के लिए ट्विटर के जरिए खेल मंत्री किरेन रिजिजू से समर्थन मांगा था। राजस्थान के बारा में भी बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। वहां सैलाब रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। नदियां और नाले खतरनाक हो गए। एक मकान ने तो पलक झपकते ही जल समाधि ले ली। आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों ने जान बचाने के लिए अपना घर तक छोड़ दिया। एनडीआरएफ ने राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। भीड़ भाड़ वाले इलाके भी बाढ़ की चपेट में आ गए। नगर परिषद का दफ्तर भी नहीं बचा। एक इलाके में तो सड़कों पर ऐसे सैलाब आया कि कार सवार को गाड़ी पीछे भगानी पड़ी। मध्यप्रदेश के नीमच में एक बाजार से होकर गुजरने वाले नाले की दीवार पानी से कमजोर हो गई और देखते ही देखते टिन शेड से बनी कई दुकानें ताश के पत्तों की तरह गिरकर नाले में बह गई जबकि बारिश की वजह से एक पुरानी इमारत की दीवार और इमारत के अंदर लगे पेड़ जमींदोज हो गए। इतना ही नहीं, इमारत का पिछला हिस्सा भी भरभराकर गिर गया।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पुरोला इलाके में बारिश के बाद एक पहाड़ी नाले के उफान पर आने की वजह से कई लोग तेज धार में फंस गए। सड़क के एक तरफ फंसे इन लोगों को किसी तरह रस्सी की मदद से नाले को पार कराया गया। इलाके के लोगों ने बताया कि नाले के उफान पर आने की वजह से वो इसी तरह जान जोखिम में डालकर उसे पार करने के लिए मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने इलाके के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि लोग अपने घरों को छोड़ सुरक्षित इलाकों में जा रहे हैं। इलाके में पानी कमर तक भर चुका है। गांव-गांव टापों में तब्दील हो चुके हैं। रास्तों और सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई गांव का संपर्क शहर से टूट चुका है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसकने से गोहर से न्योरी जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। एक दिन पहले अचानक से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर सड़क पर आ गिरा। जिस समय यह हादसा हुआ सड़क के आसपास कई गाड़ियां भी खड़ी थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं सड़क बंद होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय फिर मुलाकात होगी।